बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन बड़े ध्यान से समझना। फिर आप कहोगे ये मुझे पता है, कोई बात नहीं, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। पता है तो भी करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं पहले, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा, मेरे दोस्त संजय कक्कड़ जी ने मेरे को ये दिखाया था आज से एक महीना पहले। फिर मैंने यूट्यूब पर देखा था वीपी पांडे जी को, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ग्लोबल ब्लैक डायमंड है। और मुझे लगा कि जब इतने बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं तो ये हमें भी करना चाहिए। तैयार हो? यस सर। अब धीरे क्यों हो गए? तैयार हो? यस सर। नेक्स्ट, 1 to 1 rupees 6 lakhs पर वन। इसके चार रूल है। पहला रूल बताने जा रहा हूं, आपको पता है कि वो रूल क्या है, लेकिन करना पड़ेगा। जो भी मैं बता रहा हूं 12 महीने तक कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। अगर आप हां करते हो तो मैं बताऊंगा। yes! जैसे बच्चे को अगर 9th में डालो या दूसरी में डालो या फर्स्ट ईयर में डालो, जब तक पूरा साल वो पढ़ेगा नहीं, तब तक वो फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं होने वाला या 90% नहीं लाने वाला। ये तो आप मानते हैं? yes! ये तो यानी कि कभी जाएगा स्कूल, कभी नहीं जाएगा तो भी हो जाएगा। हर चीज होती है कंसिस्टेंसी पर। 12 महीने तक हमने क्या करना है, हमने पहला काम करना है कि 1500 पीबीवी मतलब 3000 रुपए का सामान 1 तारीख को लेना। रूल में है कि 15 तारीख तक ले सकते हैं, लेकिन टीम उस काम का रूल रहेगा 1 तारीख। आप कहते हो 1 तारीख को तो चेक आता नहीं है, ट्रांसफर नहीं होता। कहते हैं ना, ट्रांसफर कब होता है? 7। तो हमें कब लेना चाहिए? 1 को। कई लोग कहते हैं ना कि हमारा तो चेक ट्रांसफर होता है 7 को या 8 को या 9 को, हम तो उसके बाद लेंगे। जिसके पास 3000 रुपए है, अपने घर के खर्चे के सामान लेने के लिए नहीं है, उससे ज्यादा गरीब तो कोई है ही नहीं। उसको तो ये बिजनेस जरूर 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 करना चाहिए। आप कहते हो ये 3000 रुपए कहां से आएगा? रोज 100 रुपए निकालो, लेडीज की ड्यूटी है कि हस्बैंड के पर्स से निकालो, एक कॉइन बॉक्स बनाओ, उसमें 100 रुपए डाल दो। रोज 100 रुपए डालेंगे तो 30 दिन के बाद 3000 रुपए हो जाएंगे। मुश्किल तो नहीं है? नहीं। जेंट्स को पता ही नहीं चलता, बता दूं मैं। तो 3000 रुपए हो जाएंगे 1 तारीख को खरीद लेना सामान। आपको पता है 3600 रुपए का सामान मिलेगा, 400 रुपए का गिफ्ट मिलेगा, 6 महीने तक खरीदेंगे 7वें महीने में लिख लो गिफ्ट मिलेगा, 12 महीने तक खरीदेंगे 13वें महीने के अंदर डबल गिफ्ट मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो आज के बाद, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर करिएगा या नहीं करिएगा, आज अक्टूबर है, नवंबर से हमने 12 महीने तक हर महीने 1 तारीख को 1500 बीबी करने हैं, मतलब 3000 रुपए का सामान लेना है। पक्का है? ताली बजा दीजिए। नेक्स्ट काम, हर महीने हमारे को एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, और इसकी जो टीम मुस्कान का हम रूल बना रहे हैं वो 10 तारीख है। जरूरी नहीं है 10 तारीख तक ज्वाइन कराओ, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के घर में सामान कब आता है? 10 तक। हमेशा 10 तारीख तक आता है। कई लोग आपको मिलेंगे जिनको आप 20 तारीख को प्लान दिखाएंगे, वो कहेंगे मुझे अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन सामान हम लेंगे 1 तारीख को। होता नहीं होता? यस सर। तो सबसे ज्यादा हमने जो काम करना है वो करना है पहले हफ्ते के अंदर। 1 तारीख से 10 तारीख तक कितनी ज्वाइनिंग लानी है? 1। चलो मान लो अगर नहीं आएगी तो हमारे पास 15 तारीख भी है, हमारे पास 20 तारीख भी है, हमारे पास 25 तारीख भी है, लेकिन जान लगानी है हमने 1 से 10 तक कितनी ज्वाइनिंग लानी है। 1। तैयार हो? यस। मुश्किल तो नहीं है? नहीं। हर महीने कितनी ज्वाइनिंग लानी है? सिर्फ 12 महीने। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में कभी भी मत लाना, 12 महीने तक लेकर आना। कितनी ज्वाइनिंग? 1। कब तक? तो पहला रूल क्या था जल्दी से बताइए। 1 तारीख को 1500 बीबी करने हैं, जो लगभग 3000 रुपए से हो जाते हैं। दूसरा रूल, 1 ज्वाइनिंग 10 तारीख तक। 10 तारीख से पहले पहले 1 ज्वाइनिंग लानी है, 10 में से 0 हटा देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। 10 तारीख तक 1 ज्वाइनिंग लानी है, और दोनों के अंदर कभी कभी साल में एक आध बार अगर 1 तारीख को नहीं कर पाओ तो 2 या 3 तारीख को कर लेना, 15 तारीख तक की छूट है, लेकिन करना है कोई, ठीक है ना, जब तक मजबूरी ना हो। और दूसरे रूल के लिए 10 को नहीं हो पाया तो 15 या 20 तारीख को कर लेना, लेकिन पूरे 12 महीने में कोशिश कब की करनी है? 10 तारीख तक एक ज्वाइनिंग लानी है। रूल नंबर 3, शपथ लेनी है। शपथ क्या लेनी है? कि ये काम मैंने 12 महीने तक करना, चाहे कुछ हो, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे घर में पैसा नहीं है उधार लेना पड़े, लेकिन मैंने 1 तारीख तक अपना 1500 बीवी करना है और 10 तारीख तक अपनी 1 ज्वाइनिंग लेकर आनी है।
ये हमने शपथ लेनी है एक साल के लिए, तैयार हो शपथ लेने के लिए? यस। फिर मत कहना मैं अभी दिलवाऊंगा। यस। तैयार हो? यस। मैं कह रहा हूं ये सारा का सारा सामान आपके घर में यूज नहीं होता तो आप एक मैजिक कॉर्नर बना दीजिए, डेमो किट बना लीजिए, अपनी टीम में गिफ्ट कर दीजिए, गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन लेना 3,000 रुपए का, मतलब 1500 बीवी का लेना ही लेना है। तैयार हो? ओके। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया उसको ये शपथ दिलवानी। कितने टाइम की शपथ दिलवानी है? 12 महीने। 12 महीने की। अब रूल बड़ा सिंपल है, 1 तारीख को 1500 बीवी करने हैं, 10 तारीख तक ये ज्वाइनिंग लानी है, कभी कभी रह गया तो 15 या 20 तारीख तक लानी है, कभी कभी रह गया तो 1 तारीख वाली 5 तारीख तक सामान ले लें या 10 तक ले लें, लेकिन कभी कभी 1 या 2 बार अपनी शपथ लेनी है और जिस व्यक्ति को लाएंगे उसकी शपथ दिलवानी, सिर्फ 12 महीने की शपथ दिलवानी है। उसे बोलना भैया 6 लाख रुपए कमाना है, शपथ दे दे भाई, शपथ ले ले तो तेरी 6 लाख रुपए की गारंटी हम लेते हैं, तू शपथ नहीं लेगा तो कोई गारंटी नहीं है, शपथ लेनी है। अब होगा क्या, पहले महीने हमारी टीम बनेगी सिर्फ 2 की, एक हम और एक हमारी टीम, हमारा चेक आएगा 3000 बीबी होंगे और चेक आएगा 300 रुपए का, वहीं पर हमारा शुरू हो जाएगा डीमोटिवेशन। लेकिन मैंने कहा था रावण का सर हटाना है, तो डीमोटिवेशन रहना है या मोटिवेशन रहना है? मोटिवेशन। हमें पता है ना कि हमारे को पेशेंस रखना है, तो ये तो पहले ही महीने 300 का चेक आने दो, कुछ तो आया, अगले महीने हम 2 लोग हैं, नेक्स्ट 2 लोगों ने कितनी लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है, एक एक टोटल कितनी ज्वाइनिंग हो गई? 4। 2 नई ज्वाइनिंग हो गई, 2 पुरानी हो गई, हमारा चेक 300 वाला हो गया 600 रुपए। मंथ 3 हमारा चेक हो गया 1200 रुपए, क्योंकि हर बंदा कितने लोगों को ला रहा है? एक को ला रहा है। मंथ 4 2400 रुपए, मंथ 5 4800 रुपए का चेक आ जाएगा। यस। मंथ 6 9600। हर व्यक्ति कितनों को ला रहा है? एक व्यक्ति को। नेक्स्ट 76,000 रुपए का चेक आने में हमारे को लगा करीबन 9 महीने। 9 महीने बाद 76,000 का चेक आएगा, अच्छा है या बुरा है? बहुत सर। नेक्स्ट 10वें महीने में 1.5 लाख, 11वें महीने में 3 लाख और 12वें महीने में 6 लाख। नेक्स्ट देखिए, मंथ 12 है, लगभग 4096 लोग हैं हमारी टीम में, अप्रोक्स कर लेते हैं 4000, हर बंदा 1500 बीवी कर रहा है, टोटल हो गए 60 लाख जीबीवी। 60 लाख जीबीवी में अगर हमारी 12 बीट्स है तो हमारे पास जो अप्रोक्स चेक आता है वो 10% का आता है, 10% का मतलब हो गया 6 लाख। अब दिमाग में फिर आएगी वो रावण को मारा नहीं ना पूरी तरह से, दिमाग में भी यही रूल है, ये तो नेगेटिव थिंकिंग आ गई, सारे थोड़ी काम करेंगे। अरे किसने कहा सारे काम करेंगे, आप अपनी शपथ लो ना, हम अपना काम करने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो थोड़ी करेगा, वो मेरे चाचा की लड़की ज्वाइन है वो कहेगी ऐसे थोड़ी होगा, उनकी परवाह बाद में करो, पहले अपनी परवाह करो कि आप करोगे या नहीं करोगे। आपकी पर अगर आपने अपनी शपथ ली, आधे लोगों ने भी किया, 3 लाख रुपए महीना भी आ गया, बुरा है या अच्छा है? अगर 25% लोगों ने भी किया, 1.5 लाख रुपए महीना आया, बुरा है या अच्छा है? और कोई कहता है कि भैया मेरे को तो 6 लाख ही चाहिए, तो भैया इसी महीने से कर लो ना, अभी तो अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है, 3 महीने बोनस में आपके पास। अगर इसी को 12 महीने की जगह अगर हम 15 महीने तक लेकर जाएंगे तो आपका ये 6 लाख का चेक लगभग 48 लाख रुपए महीना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 लाख। लगभग 50 लाख रुपए महीना हो गया। 50 लाख का अगर 10% भी आ गया, 10% होता है कि 90% लोग नहीं भी करेंगे तो भी हमारे घर में 5 लाख रुपए महीना आएगा। ये 3 महीने बोनस मिले हुए हैं आपको, बजा लो यार 5 लाख के लिए तो ताली बजा लो। होगा अगर हमने शपथ ली तो होगा।